सो हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। मेरा नाम है रोहन और आप देख रहे हो टेकी आर। और गाइज, फाइनली मेरे पास आ चुकी है मेरी स्मार्ट वॉच। हाँ तो खरीदिया तो आएगी ना, पैसे देके खरीदिया, फ्री में थोड़ी ना मिली है, पूरा बोल। हाँ मतलब वही गाइज, ये कोई स्पॉन्सर्ड वीडियो नहीं है, ये वॉच मैंने खुद से खरीदी है आप लोगों को इसका रिव्यू एंड अनबॉक्सिंग वगैरह सब दिखाने के लिए। आप लोगों को अनबॉक्सिंग रिव्यू जो ऐसे सब्सक्राइब भी नहीं करते। सब्सक्राइब कर दो यार, क्यों बेइज्जती करवा रहे हो? अब तो वो दृश्य मानव ने भी बोल दिया जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, और जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया है वो घंटी दबा के जूते चप्पलें उतार के आगे आ जाओ, अनबॉक्सिंग करते हैं चलो। इतनी सी गाइस इसकी अनबॉक्सिंग है और लो खोल दिया, पूरा खोल दिया। ओके, इसे पहले देखते हैं साइड में, और ये है एक इसकी चार्जिंग केबल, और ये नीचे पड़ी है इसकी एक छोटी सी बैटरी। देखते हैं अब अपनी मेन वॉच को। अभी बिल्ड क्वालिटी तो मुझे इसकी बढ़िया ही लग रही है, ठीक है बिल्ड क्वालिटी गाइस बढ़िया है, जैसे मतलब मैंने एक्सपेक्ट की थी उससे तो मुझे बढ़िया ही लगी। तो चलिए गाइज, आपको इसका एक बार सेटअप करके दिखा देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल फिजिकल ओवरव्यू की बात करूं तो गाइज, यहां साइड पर आपको इसका ये चार्जिंग पॉइंट मिल जाता है V8 के साथ में, और फ्रंट साइड पर गाइज आपको स्क्रीन मिलती है, उसके ऊपर ही आपको एक 0.3 मेगापिक्सल का कैमरा मिल जाएगा, और यहां साइड पर आपको इसका पावर बटन और बैक बटन मिल जाएगा। बैक साइड पर आपको नीचे स्पीकर मिल जाता है, और इसे हम अगर यहां से ओपन करते हैं बैक साइड से, तो यहाँ पर गाइज आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाते हैं अपना बैटरी लगाने के लिए या सिम मेमोरी कार्ड वगैरह लगाने के लिए, आपको नीचे ऑप्शंस मिल जाएंगे यहाँ पर, जैसा कि आप अब लोग अभी देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर। अब ये आ गई गाइज हमारी बैटरी, जैसा कि आप देख सकते हो 380 mAh की ये बैटरी है। इसे फर्स्टली हम पहले लगा के देख लेते हो, सॉरी इसे हम यहाँ से ऐसे इंसर्ट कर देंगे। ओके, एंड देन इसे हम यहाँ से कर देते हैं लॉक, करते हैं इसे ऑन, एंड नॉइस टर्बो। डिस्प्ले भी गाइस ठीक सी है, और ये हमारा स्मार्ट वॉच ऑन हो चुकी है। यहाँ पर डायल पैड मिल जाएगा, बैक आते हैं, ओके सॉरी यहाँ से बैक आएंगे, ये हमारे पास मैसेजेस आ जाते हैं, डिटेल में इन पर भी हम बात करेंगे। आगे करते हैं तो बैक, कॉलर, फोन बुक, मैसेजेस, कॉल लॉग्स, ब्लूटूथ, नॉर्मल ब्लूटूथ, कैलेंडर, रिमोट, एंटी लॉक, स्लीप मोड, सेटिंग्स वगैरह। इसमें आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की बहुत सारी चीज़ें मिल जाती हैं, इन पर हम सभी पर आएंगे, आपको डिटेल में इन सभी पर बताएंगे। बट उससे पहले हम इसके साथ एक दिन बिताएंगे, फिर आपको बताएंगे, और आपके लिए एक सेकंड में ही पूरा एक दिन बिताएंगे। मतलब आई थिंक आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। पहले मैं इसकी खुद टेस्टिंग करूँगा, उसके बाद आपको फिर इसका रिव्यूज़ देंगे। सो शुरू करते हैं और अगले दिन मिलते हैं आपसे। नाम क्या था इसका? V8 स्मार्ट वॉच। अच्छा तू कर, अच्छा। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ इसकी एक पूरे दिन की टेस्टिंग करके आप लोगों के लिए फुल रिव्यू लेकर। सो शुरू करते हैं गाइज इसकी कनेक्टिविटी से। तो कनेक्टिविटी इसकी काफ़ी फास्ट एंड ईजी है, आपको ये दिक्कत नहीं आएगी गाइज। आपको सिंपली पहले अपने फ़ोन में इस ब्लूटूथ को ऑन कर लेना है अपने फ़ोन के, उसके बाद आपको इस वॉच में जाना है। यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा ब्लूटूथ डायलर का, जैसे आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हो, इसे गाइज ओपन कर लेना है। इसके बाद इन्हें कनेक्ट कर लेना है, अगर आपने पहले से कनेक्ट किया होगा तो यहाँ पर आपको पेयरिंग में शो हो जाएगा, वरना आप न्यू सर्च करके भी अपने डिवाइस को यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हो। जैसे हमारा ये डिवाइस आ चुका है, मैं इसे यहाँ से पेयर कर लूँगा, और गाइज पेयर करने के बाद जैसे अभी ये पेयर का ऑप्शन है, हम पहले से पेयर कर लेते हैं, और पेयर करने के बाद गाइज यहाँ पर आप अथॉरिटी मांगेगा आपके कॉन्टैक्ट्स की, हमें उसे भी इनेबल कर देना है। उसके बाद होगा ये कि ये वॉच आपके सारे कॉन्टैक्ट्स को स्कैन कर लेगी, उससे फिर आप इस वॉच से ही अपनी पूरी कॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हो। किसी को भी कॉल करनी है या कॉल रिसीव करनी है इस वॉच में ही हो जाएगा, जैसे आप अपने कॉन्टैक्ट यहाँ पर देख सकते हो। अगर आपकी वॉच में सिम है फिर तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हो, वरना आप ऐसे कनेक्ट करके भी यहाँ से कॉलिंग को कंट्रोल कर सकते हो, मैसेजेस को भी आप यहीं से कंट्रोल कर सकते हो। डायल पैड इस वक्त आप देख सकते हो अपनी स्क्रीन पर, सो बहुत ही ईजी है ये। अब गाइस बात कर लेते हैं इसके म्यूज़िक की। तो इसमें अब मैंने मेमोरी कार्ड लगा रखा है,
और मैंने इसमें अपना सिम भी यूज़ किया है पूरा दिन, आज मेरा सिम इसी में था। ऑडियो प्लेयर में जाते हैं एंड यहाँ से आप वॉइस कंट्रोल कर सकते हो डाउन एंड अप, और म्यूज़िक सिस्टम भी काफ़ी बढ़िया है। यहाँ बैक साइड पर आपको स्पीकर मिल जाएगा इसका, नाइस। बैक आते हैं गाइज और आपको दिखाते हैं इसमें फोटोज़। हाँ, इसमें मेरी काफ़ी फ़ोटोज़ इसने सपोर्ट नहीं करी थी। इसमें हमें जो फ़ोटो मिली थी वो फ़ोटो थी ये, जो अगर आपको याद हो मेरे पेन फोन वाली वीडियो, अगर आप लोगों ने नहीं देखी उसे भी आप देख सकते हो जाकर, ऊपर आई बटन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो ये वाली फ़ोटो मैंने इसमें क्लिक की थी, जब मैंने इसमें मेमोरी कार्ड अपना डाला तो इसमें ये फ़ोटो आ गई थी, बट इसे ज़्यादा कुछ सपोर्ट नहीं की थी। उसके बाद एक फ़ोटो जो हमने इसी में क्लिक की थी ये वाली, ये भी आप देख सकते हो, कैमरा ठीक ठाक सा काम चलाने लायक है, कुछ ज़्यादा खास नहीं हम इसे कह सकते, बट ठीक है काम चल जाता है। अब उसके बाद गाइज हम बात कर लेते हैं एक बार अगर कॉलिंग की भी, तो मेरी सिम जैसे इसी में है अभी, मैं आपको कॉलिंग भी करके दिखा देता हूँ अपने दूसरे सिम फोन से। अभी जैसे इस पर अभी मेरे फ़ोन से कॉल आएगी, मैसेजेस कॉलिंग सब कुछ आपको इसमें मतलब बढ़िया मिल जाता है। और ये आप देख सकते हो यहाँ पर एक कॉल आ चुकी है, हम इसे पिक करें या कट करें वो हम पर डिपेंड है, चलो कट कर देते हैं, अभी हमें बात करने का मूड नहीं है। तो ऑल ओवर अगर मैं बात करूँ, हाँ टच यहाँ पर मुझे गाइज इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम देती हुई नज़र आई थी, ज़्यादा स्मूथनेस नहीं रही टच में, धीरे धीरे अगर आप देखो तो टच इसकी ख़त्म होती जा रही थी। बट ओवरऑल अगर हम बात करें तो इतनी कुछ बुरी नहीं है। बैटरी मैंने इसकी सुबह चार्ज की थी और अभी तक आप इसकी बैटरी देख सकते हो, एक सेल गिरा है, बट अगर हम इस पर लगातार कॉलिंग लेते हैं तो ये 2 से 2.5 घंटे तक की ही आपको बैटरी बैकअप देगा। वैसे स्टैंड बाय पर बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा है इसका, पूरे दिन में सिर्फ अभी तक इसका एक ही पॉइंट गिरा है, सो बैटरी बैकअप से भी मैं काफ़ी इंप्रेस्ड हूँ। गाइज यहाँ पर आपको कोई एक्स्ट्रा वॉच फेसेस नहीं मिलते, आपको इसमें सिर्फ 2 थीम्स मिलती हैं, एक तो नॉर्मल ब्लैक स्क्रीन और दूसरी एक फ्लावर वाली आप देख रहे हो। एक और इसमें आपको थीम मिलेगी सेम फ्लावर वाली ही, एक रेड फ्लावर एंड एक ब्लू फ्लावर में आपको यहाँ पर ये 2 थीम्स ही मिलती हैं, उसके अलावा आपको ये और वॉच फेस नहीं मिलता। बात करें गाइस कैमरा की, तो कैमरा भी इसका ठीक सा है, 0.3 मेगापिक्सल का ये फ्रंट कैमरा है, काम चलाने के लिए ठीक है, काफ़ी है, बुरा इतना भी नहीं है, काम चल जाएगा आपका, और इससे ज़्यादा हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते, ठीक है काम चल जाएगा आपका। अब गाइस बात करें इसकी डिस्प्ले की, तो इंडोर तो आपको डिस्प्ले ठीक मिल जाती है, बट जैसे हम इसे बाहर लेके जाते हैं तो डायरेक्ट सनलाइट में डिस्प्ले इसकी काफ़ी डल आ जाती है। हम पास से देख रहे हैं तो आपको ठीक लग रही है, जैसे हम इसे दूर से अगर देखेंगे तो डिस्प्ले काफ़ी डल है, सही से नहीं आती। सो गाइस एक क्विक रिव्यू कर लेते हैं कि आपको इसमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं और क्या क्या नहीं मिलती हैं, और यहाँ पर मैं शुरू करूँगा कि हमें क्या क्या चीज़ें नहीं मिलती, और जिस चीज़ ने मुझे सबसे ज़्यादा डिसअपॉइंट किया है वो है वॉच फेसेस। इसमें वॉच फेसेस आपको नहीं मिलते, सिर्फ आपको इसमें 2 थीम्स मिलती हैं, एक ब्लैक स्क्रीन और उसके अलावा 2 आपको थीम्स मिलती हैं वो भी फ्लावर्स की, उसके अलावा आपको इसमें कोई और फेस नहीं मिलता जो कि चीज़ होनी चाहिए थी। उसके बाद बात करें तो इसमें आपको स्लीपिंग मॉनिटर नहीं मिलता, हार्ट रेट ये आपका चेक नहीं करता, ब्लड प्रेशर ये चेक नहीं करेगा, बट इस प्राइस पॉइंट पे मतलब 850 रुपये की मैंने ये ऑनलाइन मंगवाई थी, इस प्राइस पॉइंट पे ये सब चीज़ें अगर ना भी हों तो भी इतना कोई इशू नहीं है, बट वॉच फेसेस शुरू से होने चाहिए थे। उसके अलावा गाइस बात करें तो इसमें हमें क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, अब इसमें आप कॉलिंग कर सकते हो, मैसेजेस ले सकते हो, म्यूज़िक प्लेबैक, कैमरा सब कुछ आपको मिल जाता है, कॉलिंग के टाइम पे बैटरी भी आपको 2.5 घंटे की मिल जाएगी, बट स्टैंड बाय पर बैटरी बैकअप अच्छा है, मैंने पूरे दिन इसे यूज़ किया है, इजीली कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई है। हाँ, डिस्प्ले आपको यहाँ पर 2 इंचेस की डिस्प्ले मिल जाती है, डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस है ये, आप इसमें GPS चला सकते हो, ब्राउजिंग कर सकते हो, ऐप्स आप डाउनलोड नहीं कर सकते। तो ओवरऑल अगर हम यहाँ पर मिला के बात करें तो गाइज ये चीज़ मैं आपको रेकमेंड नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि अभी मैंने सिर्फ 1 दिन यूज़ किया इसे और उसी में मुझे इसके मतलब टच में थोड़ी प्रॉब्लम आने लग गई थी, मतलब टच इसकी मिस करने लग गई थी, पहले दिन में ही काफ़ी स्लो हो गई थी टच, जैसा आप लोगों ने अपनी स्क्रीन पर देखा भी होगा। अभी वो चीज़ ने मुझे काफ़ी ज़्यादा डिसअपॉइंट किया, पहले दिन में ही अगर हमें ये प्रॉब्लम आती है तो आगे भी ये प्रॉब्लम और बढ़ सकती है। हाँ, बट अगर आपको कोई कॉलिंग के लिए चाहिए या मैसेजेस के लिए चाहिए तो चीज़ बढ़िया है। हाँ, बात करूँ जिसने मुझे सबसे ज़्यादा इम्प्रेस किया है, इसकी बिल्ड क्वालिटी,
इसकी बिल्ड क्वालिटी नो डाउट बहुत बढ़िया है और ऐसे हाथ में पहनी हुई भी ये काफ़ी अच्छी लगती है, एक प्रीमियम लुक आपको दे देगी ये वॉच, बुरी नहीं लगेगी इस प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंगली। फीचर वाइज अगर मैं इस प्राइस पॉइंट पे देखूँ तो बहुत बढ़िया चीज़ है, बट अगर इंटरनली हम बात करें तो जैसे इसकी डिस्प्ले इंडोर में ठीक है, आउटडोर में आपको विजिबिलिटी में प्रॉब्लम आने वाली है, और वॉच का अगर विजिबिलिटी में प्रॉब्लम हो तो फ़ायदा ही क्या। टच में मुझे प्रॉब्लम लगी है यहाँ पर थोड़ी, उसके अलावा कुछ इतना बड़ा इशू नहीं है, इजीली आप कॉलिंग ले सकते हो, कॉलिंग कर सकते हो, मेमोरी कार्ड सपोर्ट करता है, बट फोटोज़ इसमें आपको इसी के साइज़ की होंगी, आप अलग से अगर कोई फ़ोटो डालते हो तो बहुत सी मेरी ऐसी फ़ोटो हैं जो इसने सपोर्ट नहीं की हैं। म्यूज़िक आप इसमें सुन सकते हो ईजिली, मतलब ये छोटे मोटे पॉइंट्स हैं जो इसमें अच्छे भी हैं और बुरे भी हैं, बट अगर मुझसे पूछो तो मैं आपको ये चीज़ रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि पहले दिन में ही अगर ये प्रॉब्लम आई तो आगे का हम क्यों रिस्क लें, राइट। सो आप पैसे डाल के थोड़ी और इससे बढ़िया चीज़ ले सकते हो, मतलब जिसकी आपको पूरी वारंटी गारंटी भी पूरी फुल मिले। अब इसकी 1 मंथ की वारंटी है ऑनलाइन ही, बट रिप्लेसमेंट सिर्फ 7 डेज़ की है। सो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आप अपने लोकल मार्केट में कोई बढ़िया वॉच देख लो, या फिर ऑनलाइन आप किसी ब्रांड की वॉच भी मंगवा सकते हो जिसके आपको ऑल सर्विस सेंटर अवेलेबल हों और आपको उनकी सर्विस भी मिले। सो आई होप गाइस आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के लिए बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइस मैं मिलता हूं आपसे अपनी अगली वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।